हेलो बच्चों, आज का सुविचार। एक आदमी परिवर्तन ला सकता है और परिवर्तन हमेशा एक आदमी से शुरू होता है। महात्मा गांधी के द्वारा कही गई ये बात है कि एक व्यक्ति परिवर्तन कर सकता है और परिवर्तन हमेशा एक ही व्यक्ति से शुरू होता है ना। तो बच्चों, बहुत अच्छी बात है कि एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति यदि आप सोच लें तो आप बदलाव ला सकते हैं, और यदि वह बदलाव शुरू हो गया तो वह एक व्यक्ति से शुरू हुआ बदलाव ही कहा जाएगा। तो इस सुविचार को आज आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और आज हम पढ़ेंगे मुहावरे। बच्चों, मुहावरे तथा लोकोक्तियों के बारे में हमने शुरू किया, इसका परिभाषा और इसका अर्थ मैंने आपको बताया। मुहावरे क्या होते हैं बच्चों? लोकोक्ति और मुहावरे हमारी भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं, आकर्षक बनाते हैं। जब भूख लगती है तो आप कहते हैं ना कि मम्मी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो आपने आपकी भाषा को प्रभावशाली बनाया। आपकी भूख को व्यक्त करने के लिए आपने एक विशेष शब्दों के समूह का प्रयोग किया, पेट में चूहे कूदना। तो ये क्या होता है बच्चों, ये वाक्य क्या कहलाता है? जो ये वाक्य का अंश, वाक्यांश होता है, जो क्या कहलाता है? मुहावरा, पेट में चूहे कूदना। इसका विशेष, इसका शाब्दिक अर्थ नहीं होता है ना। इसका हम कोई शाब्दिक अर्थ नहीं लेंगे, इसका विशेष अर्थ लिया जाता है कि आपको बहुत अधिक भूख लगी है ना। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको अत्यधिक भूख लगी है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। अब कई बार हम कहते हैं ना कि भैया क्या हो गया, आप मुंह फुलाकर क्यों बैठे हैं? माँ गुलाब जामुन देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। अच्छा चलो, मैं आज तुम्हारे लिए गुलाब जामुन बना लेती हूँ। तो इस तरह की बातचीत में हम आपस की जो भी बातचीत करते हैं उसमें हम कहीं ना कहीं मुहावरों का, लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं अपनी भाषा को रोचक, प्रभावशाली और आकर्षक बनाने के लिए। अब यहाँ मुंह फुलाने से मतलब ये नहीं कि आपने गुब्बारे की तरह मुंह फुला रखा है, इसका मतलब कि रूठ जाने से, आप गुस्सा हैं, थोड़े रूठे हुए हैं, है ना। मुंह में पानी आने का मतलब पानी भर गया है मुंह के अंदर नहीं है, बल्कि ललचाने से है कि आपके मुंह में पानी आ गया, यानी आपका जी ललचा गया ना, किसी चीज़ को देख कर, खाने की चीज़ को देख कर। तो इसी प्रकार मुहावरे साधारण अर्थ को नहीं बल्कि विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। अतः मुहावरों की परिभाषा क्या कह सकते हैं? मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपने शाब्दिक अर्थ से अलग किसी अन्य अर्थ का संकेत करते हैं। यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, ध्यान से आप उन मुहावरों को देखिए। अक्ल मारी जाना, बुद्धि का नष्ट होना। वाक्य प्रयोग, किसान की अक्ल मारी गई थी जो आधे दामों पर गन्ना बेच दिया। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ स्वयं करना। वाक्य प्रयोग, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से क्या लाभ, कुछ करके दिखाओ तो जाने। आँखों का तारा अति प्रिय, सभी बच्चे अपनी माँ बाप की आँखों के तारे होते हैं। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। वाक्य प्रयोग, राहुल का विश्वास मत करना, वह तो आस्तीन का सांप है। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। राजीव जब से नौकरी करने लगा है वह तो ईद का चांद हो गया है। उंगली पर नचाना, वश में करना। मेरा कुत्ता टॉमी मेरे पापा की उंगली पर नाचता है। खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। नौकर के हाथ से फूलदान टूटने पर मालिक ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। गांठ बांध लेना, याद रखना। हमें शिक्षा योग्य बातों को गांठ बांध लेना चाहिए। चेहरा खिलना, प्रसन्न होना। जब मोहन की माँ ने सुना कि मोहन कक्षा में प्रथम आया है तो उनका चेहरा खिल गया। बुरी तरह हराना, भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के छक्के छुड़ा दिए। जी छोटा करना, निराश होना। असफल होने पर हमें जी छोटा नहीं करना चाहिए बल्कि सफलता के लिए और कड़ा परिश्रम करना चाहिए। टकासा जवाब देना, साफ मना करना। मैंने राहुल से कहानी की किताब मांगी तो उसने टकासा जवाब दे दिया। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना। दौड़ में सबसे पीछे रहने वाली निशा दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम आई तो सबने दांतों तले उंगली दबा ली। दांत खट्टे करना, हरा देना।
झांसी की रानी ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। नमक मिर्च लगाना, बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, हमें किसी बात को नमक मिर्च लगाकर नहीं बताना चाहिए। नाक रगड़ना, माफ़ी मांगना, राघव को अपनी गलती पर बड़ा दुख है, वह अध्यापक के सामने नाक रगड़ रहा है। पानी पानी होना, लज्जित होना, रमन की चोरी पकड़े जाने पर वह पानी पानी हो गया। मुंह में पानी आना, ललचाना, गोलगप्पे को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। मोहित होना, शिवानी हंसने और नाचने वाली गुड़िया देखकर उस पर लट्टू हो गई। संघर्ष करना, महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए लोहे के चने चबाए। एक लाठी से हांकना, सबके साथ एक सा व्यवहार करना, हमारे अध्यापक सभी विद्यार्थियों को एक लाठी से हांकते हैं। सिर आंखों पर बैठाना, खूब मान देना, राजेश्वरी घर में आए मेहमानों को सिर आंखों पर बैठाती है। हाथ पांव मारना, बहुत प्रयत्न करना। अध्यापिका की नौकरी के लिए निरुपमा बहुत हाथ पांव मार रही है। हाथ बढ़ाना, सहायता के लिए तैयार होना। भूकंप आने से कितने लोग तबाह हो गए, हमें उन पीड़ितों के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। हवाई किले बनाना, काल्पनिक योजनाएं बनाना, हवाई किले बनाने से सफलता नहीं मिलती बल्कि परिश्रम करने से सफलता मिलती है। तो बच्चों, ये वाक्य प्रयोग हमने पढ़े, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने यहाँ जो पढ़े हैं वही इनके वाक्य प्रयोग हैं। वाक्य में प्रयोग हम किसी भी वाक्य में जिसमें इनका विशेष अर्थ प्रकट हो रहा है, हम उस वाक्य में इन मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं। तो वाक्य आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, अपने मन से भी बना सकते हैं। तो ये हमने मुहावरों के बारे में पढ़ा। अब कुछ मुहावरे ऐसे हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं, जिनके अर्थ दिए गए हैं, वाक्य प्रयोग आप बनाएंगे।